अलग अलग द्वीपों में हम जाकर
कितने स्पंदन और कितने रस और एक तरह के महान समुद्र में क्रूज हम तैर रहे थे, नावों में तैर रहे थे। इसके लिए मैं ज्योत्सना जी को उससे भी पहले गुरु जी का मैं हमेशा ही इनके कथा के प्रति कुछ अधिक ही प्रभावित इनसे रही हूँ, क्योंकि स्थैर्य में स्पंदन और स्पंदन में स्थैर्य जो ये कर सकते हैं मैंने कम ही देखा है। और मनुश्री जी और गुरु गुना शुक्ला जी के सामने मेरा बोलने का बहुत अधिक वो नहीं है, बनता नहीं, अधिकार नहीं है, इसलिए मैं ही यही सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद कहते हुए समाप्त करती हूँ। बच्चों को देख के तो मैं इतनी प्रभावित हुई, इतने अच्छे से, इतने मन से, सारे नृत्य का शैली जो है शुरू से आखिर तक गुरु के पास जो भी तालीम लिए हैं, जो भी शिक्षा लिए हैं, उसको बाखूबी से निभाया, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ताल को ठीक से रखे और उसके बाद क्रमलय जो आखिर में जो तत्कार का वो किया है, और उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा मयूर नृत्य, बहुत सुंदर किया। बाकी तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, और मैं क्या बोलूँ, मुझे सचमुच कमले ने जो बोले हैं कि अभी दिवाली का अवसर है और इतने कुछ वातावरण आस पास हो रहे हैं, सब कुछ हम भूल के ये नृत्य को बहुत सुंदर से अपने मन से उसको लिया, और उसका जो असर है वो मैं चाहती हूँ कि आगे के जो भी दर्शक है, और मैं चाहती हूँ जो मतलब गुरु के साथ जो बच्चों को जो तालीम देने के लिए माँ और बाप का जो सहयोग है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सहयोग अगर हो तो आर्ट को हमारे प्योर क्लासिकल जो हमारे जो चलते आए हैं इतने सालों से उसको कायम रखने के लिए हम चाहते हैं कि आप सब परिवार के जो भी लोग हैं वो नृत्य शैली और शास्त्रीय गायन वादन सब कुछ में करने के लिए आप लोग आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सहयोग करें, बच्चों को उस तालीम को लेने के लिए अच्छे गुरु चुने, और अच्छे जैसे ऐसे हैं मुन्ना जी हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार, और इनके तो बात क्या है, मैं काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ, जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से देख रही हूँ, 1959 से मैं दिल्ली आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ इनके तालीम देने का और इनको शिक्षा लेने की जो पद्धति है ये बहुत ही सुंदर है। और क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बच्चों को बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद, और मैं क्या बोलूँ, आगे भी मैं मेरा सहयोग हमेशा रहेगा और मैं करते रहूँगी, और मुन्ना जी के साथ मैं हमेशा। सादर प्रणाम। मैं बच्चों को दो शब्द शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए कह रहा हूँ बस, बाकी आप लोगों ने कार्यक्रम देखिए। किसी भी इंसान को जब धैर्य हो और लगन हो और अनुशासन का पालन करे तो उसको मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। जहाँ इनको पहुँचना है ये पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत बहुत सालों के बाद मैं भी इन लोगों को देख रहा हूँ, रहते आस ही पास हैं लेकिन कार्यक्रम देखा ही नहीं था मैंने, और तो यहाँ देख रहा हूँ बैठ के, और इनको अनेक आशीर्वाद शुभकामनाएं। लेकिन धैर्य और लगन और अनुशासन बहुत जरूरी बेटा, याद रखना सब लोग जी। बहुत बहुत एक चीज़ बच्चों को बताना चाहती हूँ, ये परंत बोलने के जो तरीका है ये बहुत सुंदर से आपने किया है, और मैं चाहती हूँ एक एक शब्द को अच्छा तरह से उसको अंदर में लेने का कोशिश करना, जैसे धिन धा ता थुन,
Tak,